गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव तक हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था सो क्वेश्चन नंबर द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इंडिया लिमिटेड फॉर्चून इंडिया लिमिटेड की कुछ इन्फॉर्मेशन है हैविंग टू डिवीजन इसके दो डिवीज़न है एक तो फार्मा डिवीजन है एंड सेकेंड वन इज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स डिसीजन डिवीजन एफ एम सी जी डि डिविजन है तो एक डिवीजन है और एक एफ एम सी जी डिविजन है उसको इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज थ्री लैक्स के इक्विटी शेयर है फॉर्चून इंडिया लिमिटेड के फॉर्चून इंडिया लिमिटेड decide to demerge pharma division as fortune pharma limited देखो इसके दो डिवीजन है एक तो फार्मा डिवीजन है एक एफ एम सी जी डिविजन है जिसमें से ये फार्मा डिवीजन को अलग करना चाहते हैं ओके डिमर्च करना चाहते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम वन फोर टू थाउजेंड नाइन डिटेल ऑफ फॉर्चून इंडिया लिमिटेड डिटेल ऑफ फॉर्चून इंडिया लिमिटेड एज ऑन इकतीस मार्च

जिसमें आपका सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन करेंट लाइबिलिटीज और फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट करेंट एसेट्स लोन एडवांस एंड डेफर टैक्स मिसलिनियस एक्सपेंसेस वगैरह इंफॉर्मेशन दे रखी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी नेसेसरी इक्विटी शेयर क्योंकि डिमर्ज कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर तो इशू करना ही पड़ेंगे और किसको करने पड़ेंगे फॉर्चून

विदाउट एनी कंसिडेशन लेकिन कंसीडरेशन कंसिडर ये कुछ पॉइंट कंसिडर करने कैसे आपको एसेट्स एंड लाइबिलिटी ट्रांसफर करनी है बुक वैल्यू पे आपका एस्टिटेड प्रॉफिट टू थाउजेंड नाइन टेन का एलेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड लैक्स है फॉर फॉर्चून इंडिया लिमिटेड का एंड फोर्टीन हंड्रेड सेवेंटी किसका है फॉर्चून फार्मा लिमिटेड का अफका टू थाउजेंड नाइन टेन का मार्केट प्राइस की बात करूँ फॉर्चून फार्मा की तो वो ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव जीरो है

कंपनी uh, को डिमर्ज कर दीजिए तो इससे आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा कंपनी का देखो गाइस यहाँ पे आपका फॉर्चून इंडिया लिमिटेड है इसमें से आपका फॉर्चून फार्मा लिमिटेड डिमर्ज हो गई तो बाकी की जो कंपनी बची वो फॉर्चून फॉर्चून इंडिया एफ लिमिटेड आपकी कंपनी बची अब फॉर्चून इंडिया लिमिटेड की बात करूँ तो इनके जो टोटल एसेट्स थे ये जो टोटल एसेट्स है इनकी कीमत आपकी सेवेंटी थाउजेंड लैक्स है रुपीज इन लैक्स और जितनी भी आउटस्टैंडिंग लाइवलिटी की बात करूं तो ये है आपके ट्वेंटी फाइव थाउजेंड लास्ट तो ये आपका नेटवर्थ जो है वो फोर्टी फाइव थाउजेंड का हो गया इसमें से मैं फॉर्चून इंडिया लिमिटेड को निकाल दूँ तो इनके जो टोटल एसेट्स हैं ये है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड के और टोटल लाइवलिटी की बात करूँ तो ये है फोर थाउजेंड वन हंड्रेड के तो इनकी जो नेटवर्थ है फार्मा लिमिटेड की ये ट्वेंटी वन थाउजेंड है फॉर्चून इंडिया लिमिटेड में से फार्मा लिमिटेड को अगर मैं डिमर्ज कर दूं तो जो कंपनी बाकी की बसती है वो फॉर्चून इंडिया लिमिटेड बसती है क्योंकि फॉर्चून इंडिया लिमिटेड में एक ही कंपनी रह गई उसका नाम है एफ लिमिटेड सो उनके जो एसेट्स बचेंगे जब सेवेंटी में से ट्वेंटी निकल जाएगा तो फोर्टी एंड आपकी जो लाइबिलिटी है वो ट्वेंटी थाउजेंड नाइन हंड्रेड की तो आपका जो नेटवर्क है फॉर्चून इंडिया एफ का वो आ जाएगा ट्वेंटी फोर थाउजेंड का नेट वर्थ आ जाएगा अब क्वेश्चन में सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है कि फॉर्चून फार्मा लिमिटेड कितने शेयर इशू करेंगे फॉर्चून इंडिया लिमिटेड को क्योंकि फॉर्चुन इंडिया लिमिटेड से कंपनी उन्होंने लिए तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना प्रॉफिट दे रखा तो आपको फॉर्चून फार्मा लिमिटेड का शेयर इशू टू भी फॉर्च्यून इंडिया लिमिटेड फॉर्च्यून फार्मा लिमिटेड ने कितना प्रॉफिट कमाया है तो फॉर्चून फार्मा लिमिटेड का अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, तो फॉर्चुन फार्मा लिमिटेड ने आपका आपका का का प्रॉफिट प्रॉफिट कमाया है तो ये आपका 1, 4, 7, का profit हो गया अगर मैं मार्केट प्राइस पर शेयर की बात करूँ तो मार्केट प्राइस पर शेयर भी क्वेश्चन में दे रखा है तो प्रॉफिट भी है मार्केट प्राइस पर शेयर भी और एस्टिमेटेड प्राइस अर्निंग प्राइस अर्निंग भी क्वेश्चन में दे रखी है ट्वेंटी की प्राइस अर्निंग है फार्मा सेक्टर की सो so गाइस आपके पास अगर एम पी एस से प्राइस अर्निंग है तो आप इसका ईजिली ई पी एस निकाल सकते हो तो ई पी एस आपका आ गया पॉइंट नाइन एट और गाइज अगर मैं प्रॉफिट में आपका ई पी एस प्रॉफिट में अगर आप नंबर ऑफ द शेयर होल्डर डिवाइड कर देते हो तो आपका ई पी एस आ जाता है अगर मैं प्रॉफिट में नंबर ऑफ दी एस डिवाइड कर दूं तो ये आपका आपका नंबर ऑफ द शेयर होल्डर इजली आ जाएगा, 15, uh, जाएगा क्योंकि क्वेश्चन क्यों 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 में प्रॉफिट दे रखा है अगर आप ईपीएस निकाल लेते हो तो प्रॉफिट में अगर ईपीएस को डिवाइड करोगे तो आपका नंबर ऑफ द शेयर होल्डर निकल के आ जाएगा सो so, हमने यहाँ ये यह सच सीखा कि एफ uh, एम uh, जो एफ फॉर्चून इंडिया लिमिटेड के थ्री थाउजेंड शेयर्स थे जिसमें से इन्होंने फार्मा लिमिटेड के दो शेयर के बदले में फार्मा लिमिटेड ने एक शेयर इशू किया सो so, यहाँ पे नंबर ऑफ द शेयर्स आपके आ गए फार्मा लिमिटेड के फिफ्टीन हंड्रेड लैक्स अब कुछ पॉइंट नंबर यहां पे वन कंप्लीट होता है दोस्तों सेकंड पूछता है कि एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ फॉर्चून इंडिया लिमिटेड अब फॉर्चून इंडिया लिमिटेड का मार्केट प्राइस पूछता है जो कि क्वेश्चन में हमें मार्केट प्राइस जो है सिर्फ फार्मा लिमिटेड का दिया हुआ था क्वेश्चन में फॉर्चून इंडिया एफ एम का मार्केट प्राइस क्वेश्चन पूछ रहा है तो एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ फॉर्चून इंडिया लिमिटेड जिसमें आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट फोर तो हंड्रेड क्वेश्चन ने दे रखा है ये आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट हो गया इलेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन में आपको थ्री थाउजेंड लैक्स का नंबर ऑफ द दुटी शेयर कंपनी का ये आपका नंबर ऑफ द इक्विटी शेयर था थ्री थाउजेंड लैक्स तो अगर हम प्रॉफिट को नंबर ऑफ द शेयर से डिवाइड करेंगे सो so गाइज आपका ये एस्टिमेटेड ई पी एस कैलकुलेट हो जाएगा थ्री पॉइंट एट और एस्टिटेड प्राइस अर्निंग रेशियो क्वेश्चन ने दे रखा है देखिए ये 42 का प्राइस अर्निंग दे रखा है तो मैं इजिली एम पी एस निकाल सकता हूँ मल्टीप्लाई प्राइज अर्निंग ई पी एस एम पी एस का मल्टीप्लीशन करूंगा तो ये आपका एम पी एस फॉर्चून इंडिया लिमिटेड का एम पी एस वन फाइव नाइन पॉइंट सिक्स का इजली कैलकुलेट हो जाएगा सो गाइज यहाँ पे हमारा सेकेंड पॉइंट भी कम्पलीट होता है थर्ड पॉइंट फोर्थ क्वेश्चन पूछता है कि बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ द बोथ द कंपनी इमीडिएटली आफ्टर डीमर्जर के बाद दोनों कंपनी के बुक वैल्यू क्या होगी तो देखो फार्मा लिमिटेड की मैंने जब नेटवर्थ निकाली थी तो 21000 आई थी जबकि एफएमसीजी इंडिया की कितनी आई थी 24000 ये यह यहां पर आप देख लीजिए ये आई थी 21000 और ये आई थी आपकी 24000 ठीक है गाइस सो so, नंबर ऑफ द शेयर्स कितने इसके 1500 हंड्रेड नंबर ऑफ शेयर्स निकाले थे हमने और इसके तो 3000 थाउजेंड नंबर ऑफ़ द शेयर्स थे सो नेटवर्थ को आप नंबर ऑफ द शेयर से डिवाइड कर दोगे तो आपका गाइज बुक वैल्यू पर शेयर इजली कैलकुलेट हो जाएगा सो गाइज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 36 सिक्स uh, कम्प्लीट होता है थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है एक बार समझ लेंगे तो क्लियरली अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी सो गाइज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं गाइस एच लिमिटेड एग्री टू बाय ओवर द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड एच लिमिटेड बी लिमिटेड का बिजनेस खरीदना चाहते हैं इफेक्टिव 1st अप्रैल 2012 द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड बी लिमिटेड एज ऑन 31st मार्च 2012 आर एज फॉलो इकतीस uh, मार्च दो हज़ार बारह को एच बैलेंस शीट एच लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों का दिया हुआ है बैलेंस शीट है और रुपीज़ इन करोड़ है जिसमें पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करूँ तो इक्विटी शेयर है हंड्रेड रुपीज़ इंच का एच लिमिटेड का साढ़े तीन सौ करोड़ और इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज़ टेन इंच का है बी लिमिटेड का सिक्स पॉइंट फाइव करोड़ और रिजर्व एंड सरप्लस की बात करूँ तो नाइन फाइव जीरो करोड़ ट्वेंटी फाइव करोड़ और एसेट्स की बात करूँ तो नेट फिक्स एसेट्स आपका ट्वेंटी 22, uh, करोड़ तो तो और टू करोड़ सो गाइस ये इंफॉर्मेशन है एच लिमिटेड बी लिमिटेड की एच लिमिटेड प्रोपोजिस टू बाय आउट बी लिमिटेड

वो आपका फोर ईयर का है आपका थ्री हंड्रेड करोड़ एंड टेन करोड़ रिस्पेक्टिवली फॉर एच एंड बी बोथ द कंपनी एंड वीसेज सेज आ कैपिटलाइजेशन रेट इज एट परसेंट कैपिटलाइजेशन रेट आपका एट परसेंट है एच लिमिटेड हैज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी ऑफ रुपीज थ्री हंड्रेड करोड़ एज ऑन इकतीस मार्च 2012 थाउजेंड ट्वेल्व एच लिमिटेड

एच लिमिटेड एंड बी लिमिटेड ये वाली लाइन गाइज आपको नीचे की इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद समझ में आएगी यू आर रिक्वायर टू अराइव द वैल्यू ऑफ द शेयर आपको वैल्यू ऑफ द शेयर निकालना है बहुत एच लिमिटेड एंड बी लिमिटेड का किस बेस पे निकालना है अंडर नेट एसेट्स वैल्यू मैथड और अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड ये दोनों मैथड आप लोगों ने अकाउंट्स में सीखे होंगे गाइज

देखो गाइज एसेट्स की तो वैल्यू दे ही रखी है क्वेश्चन में एसेट्स आपके हो गए और एसेट्स के बाद ऐसे एज ए सच कोई लाइबिलिटी तो है नहीं क्वेश्चन में बट क्वेश्चन में एक कंटीजेंट लाइबिलिटी है एच लिमिटेड की वो है आपकी थ्री हंड्रेड करोड़ तो आपके एसेट्स में से थ्री हंड्रेड करोड़ डिडक्ट हो जाएंगे उसको नंबर ऑफ द शेयर्स कितने हैं आपके शेयर्स की वैल्यू तो है थ्री फिफ्टी करोड़ उस और एक शेयर हंड्रेड इच का है तो थ्री पॉइंट फाइव करोड़ की शेयर्स हो गए सो so, आपकी जो शेयर की वैल्यू आएगी एच लिमिटेड की ये आ जाएगी टू एटी फाइव पॉइंट सेवन वन रुपीज़ वहीं अगर मैं बी लिमिटेड की बात करूं तो बी लिमिटेड के नेट एसेट्स तो है थर्टी वन पॉइंट फाइव जीरो करोड़ के और बी लिमिटेड की कोई लाइबिलिटी भी नहीं है और कोई कंटीन्जेंट लाइबलिटी भी नहीं है सो डायरेक्ट हम थ्री करोड़ को नंबर ऑफ़ द शेयर पॉइंट क्योंकि एक शेयर की वैल्यू टेन रुपीज़ है तो ये आपका पॉइंट करोड़ से डिवाइड होगा तो बी लिमिटेड के शेयर्स की कीमत आ गई है आपकी उसके बाद आपको में से नेट एसेट वैल्यू से तो शेयर्स निकालना पूछता ही है इसके साथ साथ आपसे अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड से भी पूछता है डेट मीन कि आप प्रॉफिट को जो कैपिटलाइज करते हो उस मेथड से तो अर्निंग कैपिटलाइजेशन वैल्यू वैल्यू पर शेयर निकालना है तो अर्निंग कैपिटलाइजेशन से एक कंपनी की वैल्यू आ जाएगी उसको नंबर ऑफ द शेयर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू पर शेयर आ जाएगी तो देखो अर्निंग कैपिटलाइजेशन से आपका प्रॉफिट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है दोस्तों थ्री करोड़ तो 300 करोड़ के प्रॉफिट को हमने 8 परसेंट से डिवाइड किया तो टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी आ गई होगी उस वैल्यू ऑफ कंपनी को हमने थ्री पॉइंट करोड़ के जो नंबर ऑफ द शेयर की वैल्यू आ जाएगी बी लिमिटेड तो का प्रॉफिट आपका टेन करोड़ दिया हुआ है तो जैसे ही आप टेन करोड़ को एट परसेंट से डिवाइड करोगे करोड़ से, फिर डिवाइड करोगे तो आपका जो वैल्यू है वो वन नाइन टू रुपीज थर्टी वन पैसा आ जाएगी उसके बाद गाइस क्वेश्चन कह रहा है कि आपको फेयर वैल्यू निकालनी है और जो फेयर वैल्यू बेसिस पे एक्सचेंज रेशो निकालना है तो सबसे पहले आपको फेयर वैल्यू निकालनी होगी एच लिमिटेड की या फेयर वैल्यू निकालनी होगी आपको बी लिमिटेड की अब क्वेश्चन यहीं पे फर्दर बाकी की बातें समझने की फेयर वैल्यू जो आपको निकालनी है प्लीज कंसिडर द वेट ऑफ वन एंड थ्री फॉर द वैल्यू ऑफ द शेयर वैल्यू का आपको लेना है और मेथड का थ्री वेट लेना है सो so, यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो नेट से एच लिमिटेड की वैल्यू कितनी आई थी 285.71 तो 285.71 एन में मल्टीप्लाई में वन वेट वन लेना है प्लस जो एच लिमिटेड कैपिटलाइजेशन से वैल्यू आई थी 1071.43 उसका वेट लेना है थ्री दोनों का एवरेज दोनों का टोटल होता है फोर तो यहाँ पे जो फेयर वैल्यू निकल के आएगी एच लिमिटेड की वो आ जाएगी रुपीज एट सेवन फाइव और ठीक उसी प्रकार बी लिमिटेड का भी सेम वैसे ही वेट लेना है तो बी लिमिटेड की वैल्यू आ जाएगी वन फाइव सिक्स पॉइंट थ्री फोर सेवन फाइव सो गाइज क्वेश्चन की, की जो मेन रिक्वायरमेंट थी कि एच लिमिटेड बी लिमिटेड को एक्वायर करना चाहता है और वो भी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑन द बेस ऑफ फेयर वैल्यू तो अगर हम यहाँ एक्सचेंज बी लिमिटेड का फेयर वैल्यू प्राइस अपॉन में फेयर वैल्यू प्राइस कर आएगा वो आएगा बदले में एच लिमिटेड पॉइंट शेयर एच लिमिटेड के इशू करेगा सो गाइस क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन आसान क्वेश्चन है ये अकाउंट से रिलेटेड है थोड़ा बट यहाँ पे हमने इसे भी कर लिया सो गाइस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन भी कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर थर्टी एट पे आते हैं दोस्तों रिलायबल इंडस्ट्री लिमिटेड इज अ टेक ओवर ऑफ सन फ्लावर लिमिटेड रिलाय देखो आर आई एल लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू टेक ओवर एस आई एल the following particular ऑफ टू कंपनीज आर गिवन बिलो ये आपकी आर आई एल लिमिटेड है ये एस आई एल लिमिटेड है अर्निंग आफ्टर टैक्स इनका ट्वेंटी लैक्स है इनका टेन लैक्स है आउटिंग टेन लैक्स है टेन लैक्स है अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इनका टू है इनका वन है और प्राइस अर्निंग रेशियो ये टेन टाइम्स है ये फाइव टाइम्स है इसके बाद क्वेश्चन की uh, क्वेश्चन की रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है रिक्वायर्ड है व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच कंपनी बिफोर मर्जर मर्जर से पहले कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या है सो so, कैलकुलेट करते हैं पहला पॉइंट मार्केट वैल्यू ऑफ ईच कंपनी बिफोर मर्जर तो क्वेश्चन ने अर्निंग पर शेयर आपको दे रखा है दो रुपये एक रुपये और प्राइस अर्निंग रेशियो दस टेन टाइम और फाइव टाइम्स दे रखा है इसे uh, कंपनी का मार्केट प्राइस ईजली इन ई पी एस एन टू में प्राइस अर्निंग रेशियो आपका ट्वेंटी रुपीज़ और फाइव रुपीज़ आ जाएगा और नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर टेन लाख और टेन लाख दोनों क्वेश्चन में दोनों की इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो मार्केट वैल्यू आपका इज़ली टू हंड्रेड लैक्स एंड फिफ्टी लैक्स रुपीज़ इजली निकल के आ जाएगा सो गाइज यहाँ पे पार्ट नंबर वन क्वेश्चन नंबर थर्टी एट का इजली सॉल्व हो जाएगा बात करते हैं पॉइंट नंबर टू की Assume that management of RIL estimate that the share shareholders of SIL will accept an offer of one share of RIL for four shares of SIL. SIL के चार शेयर के बदले में RIL एक शेयर देगा. That means कि एक शेयर के बदले में 0.25 शेयर RIL अपने देगा. Okay जी, ये तो change ratio है.

तो सबसे पहले क्वेश्चन है मार्केट वैल्यू की बात करिए तो मार्केट प्राइस आफ्टर मर्जर क्या होता है आपका प्राइस अर्निंग तो सेम ही रहता है और आपका ईपीएस आफ्टर मर्जर प्राइस अर्निंग तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है 10 आप 10 से ले लोगे ईपीएस ईपीएस की बात करते हैं आफ्टर मर्जर क्वेश्चन में दिया नहीं तो आप इजिली निकाल सकते हो ईपीएस के लिए क्या होगी अर्निंग चाहिए अर्निंग इनकी ट्वेंटी लैक्स की क्वेश्चन में दे रखी थी कि ट्वेंटी लैक्स और टेन लैक्स की आपकी अर्निंग थी डिवाइड बाय नंबर ऑफ द शेयर नंबर ऑफ़ द शेयर का है और ये आपका नंबर ऑफ द शेयर लाख आपका एस आई एल लिमिटेड का है और रेसो आपका .25 में रखा है। तो आपका अर्निंग पर शेयर आपका आथ, आफ्टर मर्जर, का आ गया, आप इसे यहाँ पुट कर देंगे तो आपका मार्केट प्राइस आफ्टर मर्जर आपका 24 आ जाएगा गाइज यहाँ पे आप क्वेश्चन ने आप फर्दर पूछा कि व्हाट इज द न्यू प्राइस पर शेयर हमने निकाल लिया न्यू प्राइस पर शेयर आपका ट्वेंटी शेयर होल्डर ऑफ आयर वेटर और देन दे मर्ज अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो शेयर होल्डर है उन्हें फायदा हुआ या नुकसान हुआ तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं देखो गेन और लॉस और मार्केट वैल्यू तो प्री मर्जर मार्केट वैल्यू दोनों कंपनी का प्री मर्जर मार्केट वैल्यू क्या था तो पचास दो टू हंड्रेड लैक्स तो इनका था और फिफ्टी लैक्स इनका था तो ये आपका टू फिफ्टी लैक्स हो गया और पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू की बात करूं मैं तो टेन लाख तो शेयर थे और इनके टेन लाख शेयर के बदले में आपको ने पॉइंट टू फाइव शेयर दिए थे और आज एक मार्केट वैल्यू चल रही है ट्वेंटी फोर तो प्री मार्केट वैल्यू तो आपकी दोनों कंपनी की मिला के ढाई सौ लाख है जबकि पोस्ट मार्केट वैल्यू आपकी थ्री हंड्रेड लैक्स है तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर को पचास लाख का गेन हो गया दोनों शेयर होल्डर्स के लिए पूछा है कि हाँ ये गेन जो हुआ किसको कितना हुआ तो पचास लाख के गेन गेन को अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे गेन बिटवीन द शेयर होल्डर तो देखो पोस्ट मर्जन मार्केट वैल्यू की बात करूँ तो दस लाख के शेयर थे चौबीस रुपए की चौबीस रुपए का मार्केट प्राइस आया और ढाई लाख के शेयर पे भी चौबीस रुपए का मार्केट प्राइस आया तो पोस्ट मर्जर अगर मैं मार्केट वैल्यू की बात करू आई आर लिमिटेड की तो वो आपकी टू हंड्रेड फोर्टी लैक्स आई और ये एस आई एल की 60, जबकि प्री मर्जर मार्केट वैल्यू की बात करूँ तो इनका तो टू हंड्रेड का था और इनका तो फिफ्टी लैक्स की वैल्यू थी प्री मर्जर मार्केट वैल्यू तो यहाँ पे गेन फ्रॉम द मर्जर मर्जर से कितना गेन हो गया आर को तो चालीस लाख का गेन हो गया एस को आपके एस को टेन लाख का गेन हो गया तो ये टोटल फिफ्टी लाख का गेन हमने शेयर होल्डर के बीच में दिया क्वेश्चन यही पूछ रहा था सो सिंस शेयर होल्डर बोथ द कंपनी आर बेटर देन बिफोर दोनों शेयर होल्डर को पहले से ज्यादा बेटर सिचुएशन में क्योंकि दोनों को कहीं ना कहीं मुनाफा हुआ है सो गाइज यहाँ पे दोनों को शेयर होल्डर्स के शेयर होल्डर ऑफ आर लिमिटेड का मतलब कि दोनों कंपनी के शेयर होल्डर को बेनिफिट हुआ या नुकसान हुआ वो हमने कैलकुलेट कर दिया

व्हाट विल बी द न्यू पोस्ट मर्जर ई पूछा है और यहाँ पे प्राइस पर शेयर पूछा जबकि यहाँ पे क्वेश्चन ने यहाँ पे मार्केट वैल्यू पूछी थी और वो हमने मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में निकाल दी थी इफ देर इज नो सनर्जी वट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द पोस्ट मर्जर एंड न्यू मार्केट प्राइस तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन में हमने ये आपका टू फोर्टी तो यह आपका मार्केट वैल्यू आ गया था और इस मतलब मार्केट प्राइस आ गया था ट्वेंटी फोर रुपीज और ये ट्वेंटी फोर रुपीज से आपका मार्केट वैल्यू जो है पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू वो थ्री हंड्रेड लैक्स की आपकी आ गई थी और प्री मर्जर मार्केट वैल्यू टू फिफ्टी की क्वेश्चन में थी तो क्वेश्चन में हमने ये दोनों रिक्वायरमेंट निकाल ली थी ठीक उसी प्रकार पे पे भी पूछा है कि पोस्ट मर्जर यहां पे अर्निंग पर है प्राइस पर मतलब market प्राइस पर है। कि क्या क्या मतलब हम second information को सॉल्व करते हैं और यहां पे क्वेश्चन ने ईपीएस की बात करी है, तो ईपीएस में आपका ये जो सिनर्जी बेनिफिट है बीस परसेंट का सिनर्जी बेनिफिट इंक्रीज होकर इनकम आपकी थर्टी सिक्स की इनकम हो गई और टेन लाख का नंबर ऑफ द शेयर था और यहाँ टेन लाख का जो नंबर ऑफ द शेयर था उसको पॉइंट टू फाइव का एक्सचेंज रेश तो आपका ये जीरो लाख के नंबर ऑफ़ द शेयर्स हो गए और आपके थर्टी सिक्स लाख का अर्निंग हो गई तो यहाँ पे आपका अर्निंग पर शेयर पोस्ट मर्जर आ गया टू पॉइंट एट एट ड्यू टू इंक्रीज और ड्यू टू सिनर्जी बेनिफिट अगर आपका अर्निंग पर शेयर आ गया तो प्राइस अर्निंग रेशियो तो आपका टेन था ही अर्निंग पर शेयर आपका टू पॉइंट एट एट हो गया सो so गाइज आपका मार्केट प्राइस पर शेयर ट्वेंटी एट पॉइंट एट जीरो हो गया सो so, जब मैं सेकंड सिचुएशन में कहूँ सेकंड सिचुएशन में आपका मार्केट प्राइस पर शेयर ट्वेंटी फोर आया था तब तब आपका शेयर होल्डर बेटर सिचुएशन में था तो अब तो मार्केट प्राइस पर शेयर आपका ट्वेंटी एट पॉइंट एट जीरो शेयर होल्डर विल बी बेटर देन बिफोर द मर्जर सिचुएशन जो मर्जर की सिचुएशन थी उससे बेटर सिचुएशन में आपकी शेयर होल्डर है क्योंकि अभी जो वैल्यू है शेयर होल्डर की वो ट्वेंटी है जबकि शेयर होल्डर की वैल्यू ट्वेंटी फोर थी तब भी शेयर होल्डर बेटर सिचुएशन में थे तो ट्वेंटी एट तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है क्योंकि पहले रिलायंस लिमिटेड की मार्केट प्राइस पर शेयर ट्वेंटी था सेकंड सिचुएशन में ट्वेंटी फोर आया तो भी वो बेटर सिचुएशन में रहे हालांकि हमने उनके प्रॉफिट को गेन टू शेयर होल्डर को अपोर्सेंट कर दिया बिटवीन द शेयर होल्डर ऑफ आर आर आई एल लिमिटेड एंड एस आई एल लिमिटेड और फिर इसके बाद हमने सेकेंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया ईजली और सेकेंड सिचुएशन में भी इन द बैटर सिचुएशन। सो गाइज क्वेश्चन नंबर मैं थर्टी एट की बात करूँ तो ठीक ठाक क्वेश्चन है और इजी है ईजी है एक बार बेटर अंडरस्टैंडिंग ले लेना इसकी सो गाइज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी एट कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन पे आते हैं दोस्तों ए लिमिटेड ए लिमिटेड ए लिमिटेड बी लिमिटेड को एक्वायर करना चाहते हैं द शेयर इशूड बाई टू कंपनीज आर दोनों के जो शेयर हैं वो दस लाख दस लाख शेयर एंड फाइव लाख शेयर रिस्पेक्टिवली है पहली रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द इनक्रीज इन दैल्यू ऑफ बी लिमिटेड बी लिमिटेड रिजल्टिंग फ्राम द एक्जिशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कंडीशन है ये कंडीशन है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बी लिमिटेड की वैल्यू में क्या इंक्रीज आता है अब बी लिमिटेड की करेंटली ग्रोथ कितनी है सात परसेंट की है और एक्सपेक्टेड ग्रोथ अंडर द कंट्रोल जब बी लिमिटेड को ए लिमिटेड एक्वायर कर लेगी तो बी लिमिटेड की ग्रोथ आपकी एट परसेंट की जाएगी एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट अंडर द कंट्रोल ऑफ ए बी ए लिमिटेड विदाउट एनी एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड विदाउट एनी चेंज इन रिस्क ऑफ ऑपरेशन करंट मार्केट प्राइस ऑफ़ ए लिमिटेड का हंड्रेड रुपीज है जबकि बी लिमिटेड का करंट मार्केट प्राइस ट्वेंटी रुपीज है और एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑफ बी लिमिटेड आपका सिक्सटी है पॉइंट सिक्स जीरो है सो गाइस क्वेश्चन में कहीं कही ना कहीं आपको ग्रोथ रेट दे रखी है और डिविडेंड का भी रेट दे रखा है तो कहीं कही ना कहीं आपको मार्केट प्राइस ऑफ द डिविडेंड निकालना है सो इंक्रीज इन द टोटल वैल्यू ऑफ बी लिमिटेड इजिली हो जाएगा देखो पार्ट वन में आते हैं कैलकुलेट द इंक्रीज इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ बी लिमिटेड तो वैल्यू ऑफ बी बी लिमिटेड लिमिटेड अंडर अंडर न्यू कंट्रोल और वैल्यू ऑफ द द ओल्ड सिचुएशन देखो पांच लाख के शेयर्स तो आउटस्टैंडिंग थे और एक शेयर की कीमत कितनी थी ट्वेंटी रुपीज थी तो यहाँ पे हंड्रेड लाख के आपके वैल्यू हो गई बी लिमिटेड की हंड्रेड लाख की वैल्यू हो गई जबकि बी लिमिटेड के अंडर न्यू सिचुएशन में थर्टी रुपीज का रेट है वो कैसे निकला तो देखो पीओ बुक वैल्यू पी ओ पी ओ ऑफ़ बी लिमिटेड अंडर द न्यू शेड जी मतलब बी लिमिटेड का मार्केट प्राइस निकाल लें तो मार्केट प्राइस आप डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन से भी निकाल सकते हो डी वन अपन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस जी तो अगर आप न्यू मैनेजमेंट में करोगे तो आपकी ग्रोथ कितनी है आठ परसेंट है तो डी वन आपका पॉइंट सिक्स जीरो हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका पॉइंट टाइन हो गया ये कैसे है ये भी बताऊंगा अभी मैं आपको और आप ग्रोथ आपकी पॉइंट जीरो एट तो यहाँ से आपका करंट मार्केट प्राइस जो शेयर्स का है वो थर्टी रुपीज आ गया बी लिमिटेड का अब यहाँ पे पी ओ बी लिमिटेड अगर ओल्ड सिचुएशन की बात करते हैं तो ओल्ड सिचुएशन में क्या है कि पी ओ आपका ट्वेंटी रुपीज़ तो दे रखा है डी वन आपका पॉइंट सिक्स जीरो एज्यूम करते हैं कि हाँ आपका ओल्ड ओल्ड सिचुएशन में एज्यूम ओल्ड सिचुएशन में आपका डी वन तो पॉइंट सिक्स जीरो ही रहेगा ग्रोथ बस आपकी आठ परसेंट की जगह सात परसेंट की रहेगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आप निकाल सकते हो तो ओल्ड सिचुएशन में अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका टेन परसेंट है तो न्यू सिचुएशन में भी तो ये आपका टेन परसेंट ही रहेगा तो इसमें कोई ऐसा वेरिएंस नहीं आएगा तो ये टेन परसेंट हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लिया ऑल सिचुएशन की इन्फॉर्मेशन से और इसे न्यू कंट्रोल सिचुएशन में पुट कर दिया सो गाइज यहाँ से पीओ आज की करंट मार्केट वैल्यू थर्टी रुपीज़ आ गई तो करंट मार्केट वैल्यू से जब बी लिमिटेड के नंबर ऑफ द शेयर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टोटल वैल्यू डेढ़ लाख रुपीज़ आ जाएगी जिसमें शेयर होल्डर को कह लो या कंपनी की इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बी लिमिटेड बी की वैल्यू में कितने का इंक्रीजमेंट हो गया दोस्तों पचास लाख का इंक्रीजमेंट हो गया सो गाइस क्वेश्चन की जो पहली रिक्वायरमेंट है बहुत ईजी थी ईजली यहाँ कैलकुलेट हो गया अब सेकेंड इंफॉर्मेशन कहता है ऑन द बेसिस ऑफ शर्ट कंडीशन मतलब ऊपर की कंडीशन को हमें कंसीडर करना है और उस कंडीशन को, को उस सिचुएशन को कंसीडर करके हमें कैलकुलेट द गेन और लॉस ऑफ द शेयर होल्डर द बोथ द कंपनी इफ ए बी ए लिमिटेड ऑफर वन शेयर फॉर एवरी फोर शेयर चार शेयर के बदले में एक शेयर दे रहा है मतलब पॉइंट टू फाइव पर शेयर ओके okay. और हमें ऊपर की कंडीशन को कंसीडर करना है अब ऊपर की कौन सी कंडीशन को कंसीडर करना है ये मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताऊंगा देखो भाई अभी तक हमें अर्निंग पर शेयर नहीं पता बट हमें मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ द मर्जर निकाल सकते हैं कैसे मार्केट वैल्यू ऑफ़ ए लिमिटेड मार्केट वैल्यू ऑफ़ बी लिमिटेड प्लस में सिनर्जी बेनिफिट अपन में नंबर ऑफ शेयर ऑफ ए लिमिटेड नंबर ऑफ़ शेयर ऑफ़ बी लिमिटेड इन टू में एक्सचेंज रेशो अब गाइज नंबर ऑफ़ द शेयर तो आपके टेन लाख है बी लिमिटेड करके पाँच लाख है एक्सचेंज रेशो आपका पॉइंट टू फाइव क्वेश्चन में दे रखा है अब मार्केट वैल्यू की बात करो तो करंट आपका मार्केट वैल्यू में आपका हंड्रेड रुपीज़ का तो शेयर है ही ए लिमिटेड का हंड्रेड रुपीज़ का शेयर है और बी लिमिटेड का कितने का है ट्वेंटी रुपीज़ का शेयर है ट्वेंटी रुपीज़ का तो है अब ये हंड्रेड रुपीज़ का हो गया टेन लाख का और बी लिमिटेड का है तो ट्वेंटी रुपीज़ का लेकिन हम थर्टी रुपीज़ का लेंगे क्योंकि अभी हमने कंसिडर कैलकुलेट किया था बी लिमिटेड का करंट मार्केट प्राइस अंडर द न्यू मैनेजमेंट तो वो थर्टी आया था और हम ये अब न्यू में कंपनी न्यू मैनेजमेंट में जा रही है और ऑन द बेसिस ऑफ अफॅर सेट कंडीशन को आपको आप ऊपर की कंडीशन को लेकर आपको ये कंसीडर करना था तो गाइज़ यहाँ पर आपको ऊपर की कंडीशन को कंसीडर करना था इसलिए आपका ये जो थर्टी रुपीज़ है यहाँ हम थर्टी रुपीज़ लेंगे ट्वेंटी रुपीज़ नहीं लेंगे इस बात को आप नोटिस रखना कि हाँ यहाँ पर थर्टी रुपीज़ आएगा क्योंकि आपको ऊपर की कंसीडर को कंसीडर ऊपर की इंफॉर्मेशन को कंसीडर करते हुए आपको ये सवाल सॉल्व करना है सो so, गाइज यहाँ पे मार्केट वैल्यू यहाँ पे है जाएगा, अब पे आप शेयर होल्डर का गेन और लॉस भी निकाल सकते हो जैसे ए लिमिटेड की बात करें तो अब आफ्टर द मर्जर वैल्यू हो गई वन जीरो टू पॉइंट टू टू जबकि बिफोर द मर्जर वैल्यू थी हंड्रेड रुपीज तो गेन हो गया टू पॉइंट टू टू का जबकि बी लिमिटेड की बात करें तो आपका मार्केट प्राइस पर शेयर तो मर्ज फर्म का था बी लिमिटेड का आपका ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव सिक्स कैसे आएगा देखो ए वन जीरो टू पॉइंट ट्वेंटी टू तो है ही और एक्सचेंज रेशो पॉइंट टू फाइव है तो एक्सचेंज रेशो से जैसे ही इसे मल्टीप्लाई कर दोगे मर्ज एंटिटी को का की जो वैल्यू आई इसको एक्सचेंज रेशो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको बी लिमिटेड की मार्केट प्राइस पर शेयर आ जाएगा ये आ गया आपका ट्वेंटी और बिफोर मर्जर कितना था ट्वेंटी रुपीज़ था तो बी लिमिटेड के भी शेयर होल्डर को कितने का फ़ायदा हो गया फाइव पॉइंट फाइव सिक्स का हालांकि इस क्वेश्चन में बी लिमिटेड के जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें ट्वेंटी टू पॉइंट टू टू आ रहा है ये इन्होंने ऐसे सॉल्व किया है कि ये यह यहाँ पर वन ज़ीरो टू पॉइंट ट्वेंटी टू ले लिया और बीस को मल्टीप्लाई कर दिया है चार से तो इनका भी गैप करोगे तो ये आएगा आपका ट्वेंटी ट्वेंटी तो अगर आप एग्जैक्ट यही आंसर लाना चाहते तो 5.56 को फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा। वैसे मेन कैलकुलेशन आपकी यही है कि आपका जो आफ्टर मर्जर आपका आफ्टर मर्जर जो मार्केट प्राइस आया वो 102.22 आया है और बिफोर मर्जर आपका मर्जर प्राइस 100 था तो यही 102 को बी लिमिटेड में भी ले लिया है लेकिन बी लिमिटेड का मार्केट प्राइस तो आपका इससे पॉइंट एक्सचेंज रेशो से मल्टीप्लाई होगा ही होगा 1.02.2 को तो इसको अगर हम एक्सचेंज रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी लिमिटेड का मार्केट प्राइस आ जाएगा 25.56 और बी लिमिटेड का बिफोर मार्केट प्राइस था ट्वेंटी तो आपका गेन आ जाएगा 5.56 सो so गाइस ऊपर की इंफॉर्मेशन को कंसीडर करते हुए हमारा आंसर गेन टू द शेयर होल्डर निकल गया थर्ड इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन क्या कहता है कैलकुलेट द गेन टू द शेयर होल्डर ऑफ द बोथ द कंपनी दोनों कंपनी का दोबारा गेन निकालना है इफ़ द ए एफ सी ए लिमिटेड पे ट्वेंटी टू फॉर बी सी डी लिमिटेड ए लिमिटेड बी सी डी लिमिटेड के शेयर्स को अक्वायर नहीं करती उनको डायरेक्ट कैश पे कर देती है कैश में पे करिए नए शेयर इशू नहीं करिए और एज्यूम करिए कि प्राइस अर्निंग रेशो ऑफ ए लिमिटेड डज नॉट चेंज आफ्टर द मर्जर और प्राइस अर्निंग रेशो आपका चेंज नहीं हुआ जबकि ईपीएस पी ए लिमिटेड का आठ है और बी लिमिटेड का टू पॉइंट फाइव जीरो इट इज एज्यूम डेट ए लिमिटेड इन्वेस्ट इट कैश टू अर्न टेन परसेंट तो यह बेसिकली है कि यहाँ पर ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एक्वायर किया और पेमेंट किस में करी है कैश में करी है और यहाँ पे फिर इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि शेयर होल्डर को कोई गेन होता है या नुकसान होता है तो सबसे पहले बता देता हूँ मैं पोस्ट मर्जर अर्निंग क्या होगी तो पोस्ट मर्जर अर्निंग क्या होगी कि दस लाख के शेयर थे एक शेयर पे आप आठ रुपये कमा रहे थे आप पाँच लाख के भी शेयर आपके ही हो जाएंगे जिसपे आप कितने रुपये कमाओगे ढाई रुपये कमाओगे क्वेश्चन ने यही इन्फॉर्मेशन दी है हमें कि आप आठ और ढाई कमाओगे ये तो आपकी अर्निंग हो गई प्लस आप ग्या, ग्यारह लाख रुपए आपने कैश में पेमेंट कर दी कैश में कैसे कर दी पाँच लाख के शेयर थे और एक शेयर को आपने बाईस रुपए में कैश दिया तो ये आपका ग्यारह लाख आ गया ये आपका फाइव लाख इंटू मै ट्वेंटी टू रुपीज इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका ग्यारह लाख आ जाएगा तो रियली में आपकी जो पोस्ट मर्जर अर्निंग है वो इक्यासी लाख पचास हजार की हो गई इससे आप ईपीएस बहुत इजीली निकाल सकते हो क्योंकि अब ई निकालने के लिए आपकी जो टोटल अर्निंग है वो इक्यासी लाख पचास हजार की और जिसको नंबर ऑफ द शेयर होल्डर आपके तो नंबर ऑफ द शेयर होल्डर सिर्फ दस लाख के ही है नंबर ऑफ द शेयर होल्डर सो आपके नंबर ऑफ द शेयर होल्डर तो सिर्फ टेन लाख के रहेंगे क्योंकि नए शेयर होल्डर को आपने कैश में पेमेंट कर दिए शेयर तो इशू करे ही नहीं है तो इक्यासी लाख पचास हजार की आपकी अर्निंग हो गई और नए शेयर होल्डर आपके मतलब ओल्ड आपके नए शेर शेयर होल्डर को तो आपने कैश पेमेंट कर दी तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ द शेयर होल्डर नहीं बढ़ेंगे दस लाख के दस लाख रह जाएंगे कैश में पेमेंट करिए थर्ड पॉइंट आपका कैश पेमेंट का ही है तो आपका ईपीएस आफ्टर मर्जर कितना आ गया एट पॉइंट वन फाइव आ गया जब ई आपका एट आ गया प्राइज अर्निंग रेशियो क्या होगा तो आपका प्राइज अर्निंग रेशियो आपका हंड्रेड है और ई कितना दे रखा था एट पहले का दे रखा था ई क्वेश्चन में ये आपका अर्निंग पर शेयर है ना एट रुपीजी आपका सेम आप रहेगा तो ये आकर यहाँ पे हमारा प्राइजर प्राइज अर्निंग रेशियो निकल गया है अर्निंग पर शेयर हमने आफ्टर मर्जर निकाल लिया है तो यहाँ पे मार्केट प्राइस पर शेयर निकाल सकते हैं तो मार्केट प्राइस पर शेयर ए लिमिटेड का आ गया वन जीरो और मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ ए लिमिटेड का बिफोर मर्जर कितना था हंड्रेड रुपीज़ था तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर को गेन कितने का हो गया गेन हो गया आपका गेन होल्डर गेन टू शेयर होल्डर वन पॉइंट एट सेवन फाइव पर शेयर सो गाइज इसमें नोटिस करने वाली बात थर्ड पॉइंट में ये है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ द शेयर होल्डर है ये ये आपने कैश में पेमेंट करी है तो नंबर ऑफ़ द शेयर होल्डर ये दस लाख के दस लाख रहेंगे पंद्रह लाख नहीं होंगे और आपकी जो अर्निंग आई है वो अपने आठ रुपये तो आठ रुपए तो दस हजार दस हजार शेयर्स पे कमाओगे और ढाई रुपये पाँच हजार पांच, पांच लाख दस लाख से आठ रुपए दस लाख शेयर होल्डर पे कमाओगे और पांच लाख शेयर होल्डर पे ढाई रुपये कमाओगे और ग्यारह लाख की आपको कैश पेमेंट करनी पड़ी सो so गाइज ये कैलकुलेशन करके आपका गेन टू शेयर होल्डर ए लिमिटेड का आ जाएगा वन पॉइंट एट सेवन फाइव सो गाइज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो थर्टी नाइन था पहला पार्ट बहुत इजी है दूसरा पार्ट भी इजी है तीसरा पार्ट थोड़ा सा लॉजिकल है क्योंकि कैश में पेमेंट कर रहा है तो इसलिए हमारा तीसरा पार्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है सो गाइज़ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन अच्छा क्वेश्चन है इसे एक बार प्रैक्टिस कर लेना दैट्स इट गाइज़ इसमें एक पार्ट और रह गया है हमारा ये हम <coughs> गेन जो हमने गेन निकाला है ये निकाला है ए लिमिटेड के लिए ए लिमिटेड के शेयर होल्डर के लिए बी लिमिटेड के लिए भी क्योंकि क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी वो ए और बी दोनों के लिए थी कैलकुलेट द गेन ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द बोथ द कंपनी तो दोनों कंपनियों की रिक्वायरमेंट थी तो हम दोनों कंपनी का निकाल देते हैं ए ए लिमिटेड का तो गे हमने गेन निकाल दिया है बी लिमिटेड का क्या है मार्केट प्राइस आफ्टर मर्जर आपका आफ्टर मर्जर ट्वेंटी टू है और बिफोर मर्जर ट्वेंटी है बिफोर मर्जर तो क्वेश्चन ने हमें दे ही रखा है कि मार्केट प्राइस इनका ट्वेंटी रुपीज है ये आपका करंट मार्केट प्राइस जो है ये आपका ट्वेंटी रुपीज है बट यहाँ पे आप देखो तो क्वेश्चन में ये ट्वेंटी टू रुपीज की पेमेंट करी है बी लिमिटेड की ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को ट्वेंटी टू रुपीज दी है तो आप ये जूम करोगे कि बी लिमिटेड का करंट मार्केट प्राइस ट्वेंटी है सो बी लिमिटेड के लिए एज सच कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है बी लिमिटेड का आपका करंट मार्केट प्राइस ट्वेंटी टू हो जाएगा क्योंकि ए लिमिटेड ने बाईस रुपए के हिसाब से पेमेंट करी है और बी लिमिटेड का मर्जर से पहले कितना मार्केट प्राइस था ट्वेंटी रुपीज़ था अभी तक जितने जितना भी पॉइंट सॉल्व किया हमने ट्वेंटी रुपीज़ ही लिया है तो गेन टू द शेयर होल्डर ऑफ़ द बी लिमिटेड आपका कितना आ जाएगा दो रुपए पर शेयर और ए लिमिटेड में आएगा वन पॉइंट एट सेवन फाइव यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ प्राइस में ये जो आपका 11 लैक्स आया है ये आपका 11 लैक्स ये इंटरेस्ट की वैल्यू है ये इंटरेस्ट है और ये इंटरेस्ट किस पे आया है आप जब इन आप जब इन्वेस्टमेंट करोगे कैश में इन्वेस्टमेंट करा है पाँच लाख पाँच लाख शेयर होल्डर को बाईस रुपये के हिसाब से दिया है तो पाँच लाख इंटू में ट्वेंटी टू ये आपका आ जाता है हंड्रेड एंड टेन लैक्स एक सौ दस करोड़ पे आता है और एक सौ दस करोड़ पे दस परसेंट का इंटरेस्ट देना होगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ने ये लिखा हुआ है कि इट इज़ लिमिटेड इन्वेस्ट इट्स कैश टू अर्न तो आपका कहीं ना कहीं टेन परसेंट का इंटरेस्ट आपने जो कैश में पेमेंट करी है उस पर दस परसेंट का इंटरेस्ट देना होगा या दस परसेंट का आपका आपका दस रुपए का इंटरेस्ट पे करना होगा जितना भी आपने ये अमाउंट दिया है कहीं ना कहीं आपने लोन लेकर ही दिया होगा एक करोड़ दस लाख तो एक करोड़ दस लाख का टेन परसेंट इंटरेस्ट आता है ग्यारह लाख का अगर क्वेश्चन में टैक्स की इंफॉर्मेशन होती तो इस ग्यारह लाख में से हम कहीं ना कहीं टैक्स का भी पोर्शन डिडक्ट कर देते हैं क्योंकि एक्चुअल आउटफ्लो कितना जा रहा है हमारा विदाउट ऑफ टैक्स हम वही लेते हैं जैसा कि हमने एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में किया था लेक्चर में वो भी कैश पेमेंट का क्वेश्चन था तो वहाँ पे टैक्स का पार्ट दे रखा था तो हमने टैक्स का प्रोपोर्शनेट डिडक्ट किया था बट यहाँ पे टैक्स का रेट नहीं दे रखा तो हम डायरेक्ट एक करोड़ दस लाख का दस परसेंट ग्यारह लाख होता है तो ग्यारह लाख को आप अपनी अर्निंग से डिडक्ट कर लीजिए अर्निंग आपको समझ ही आ गई कि दस लाख की आठ रुपये और पाँच लाख पे ढाई रुपये की आपकी अर्निंग हो रही है इंटरेस्ट का पार्ट आपका एक्स्ट्रा चला जाएगा क्योंकि आपने कैश में पेमें पेमेंट करी है लेकिन कैश में पेमेंट करने का क्या फ़ायदा होता है कि नंबर ऑफ़ द शेयर होल्डर आपके नहीं बढ़ते हैं क्या आपकी अर्निंग कैसी लाख पचास हज़ार की नंबर ऑफ़ द शेयर होल्डर आपके दस लाख ही रहेंगे तो अर्निंग ई आपका आ, आफ्टर मर्जर एट पॉइंट वन फाइव आ गया प्राइस अर्निंग रेशियो आपका क्वेश्चन में जो पहले इन्फॉर्मेशन दे रही थी वहाँ पे ई आपका आठ रुपये था तो आठ रुपये को मार्केट प्राइस से डिवाइड करोगे मार्केट प्राइस को आठ रुपये से डिवाइड करोगे तो प्राइस अर्निंग रेशो ट्वेल्व पॉइंट फाइव जीरो आ जाएगा और अभी भी ट्वेल्व पॉइंट फाइव जीरो ही आपको लेना है तो मार्केट प्राइस पर शेयर आपका इजीली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हंड्रेड एंड वन पॉइंट एट सेवन फाइव आएगा और मार्केट प्राइस बिफोर मर्जर आपका हंड्रेड रुपीज़ था तो वन पॉइंट एट सेवन फाइव पर शेयर का गेन हो रहा है ए लिमिटेड को सो गाइज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन अच्छा क्वेश्चन है इसे एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा सो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी पे आते हैं दोस्तों ABC is planning to acquire and absorb the running business of XYZ Limited. ABC Limited XYZ XY Limited को acquire करना चाहते हैं The valuation is based on the recommendation of merchant banker banker and the consider consideration is to be discharged in the form of equity share to be issued by AB Limited. देखो जो पेडअप कैपिटल ऑफ एबी लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ एटी लैक्स शेयर ऑफ रुपीज टेन इच जो पेडअप शेयर okay. ,00 है एबी लिमिटेड का अस्सी लाख ,00 के आउटस्टैंडिंग शेयर है दस रुपए के द हाइस्ट एंड द लोएस्ट मार्केट कोट टेशन ड्यूरिंग द लास्ट सिक्स मंथ वर 570 एंड 430 जो हाईएस्ट और लोएस्ट कोट किया है एक्स वाई जेड एक्स वाई लिमिटेड के लिए वो 570 एंड 430 किया है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सचेंज द प्राइस पर शेयर टू बी रिकॉर्डेड एज द एवरेज ऑफ हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्केट प्राइस ड्यूरिंग द लास्ट सिक्स मंथ आपको जो प्राइस लेना है इनका हाईएस्ट और लोएस्ट का एवरेज प्राइस लेना जो एवरेज प्राइस आएगा उसी पे हमें एक्स वाई जेड लिमिटेड को पेमेंट करनी है एक्स वाई लिमिटेड की जो बैलेंस शीट है वो थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सिक्स की समराइज बिलो इसमें आपका जो सोर्सेज है जैसे कि शेयर कैपिटल की बात करें तो बीस लाख के शेयर कैपिटल है और टेन इंच के हैं फुल्ली पेडअप है और यहाँ पे दस लाख के इक्विटी शेयर ऐसे हैं जो कि दस रुपए के हैं लेकिन क्या है पेड अप है लोन की बात करें तो हंड्रेड लैक्स के लोन है और टू हंड्रेड लैक्स के हैं एंड इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ मर्चेंट बैंकर इंगेज फॉर द नेगोसिएशन है फॉलोइंग एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम द बिजनेस ऑफ एक्स वाई लिमिटेड से जो कैश फ्लो आएगा नैक्स्ट फाइव फाइव ईयर के लिए एस्टिमेट किया गया है जो कि है बाई वे ऑफ आफ्टर अर्निंग ऑफ इक्विटी दो हजार सात में है वन जीरो फाइव लैक्स आठ में है वन जीरो टू लैक्स नाइन में वन ट्वेंटी फाइव टेन में है वन ट्वेंटी इलेवन में है वन हंड्रेड और टर्मिनल वैल्यू आ गई आपकी टू हंड्रेड इट इज रिकमेंडेशन ऑफ द मर्चेंट बैंकर की ये एक रिकमेंडेशन है दैट द बिजनेस ऑफ एक्स वाई लिमिटेड मे बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज 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 ऑफ एग्रीगेट ऑफ द दउंटेड वैल्यू एंड द नेट एसेट्स वैल्यू का भी एवरेज करेंगे वो वैल्यू आएगी

यहाँ पे हमने थर्ड इलेवन ईयर टू थाउजेंड इलेवन में दो कैश फ्लो था 100 का और 200 का टर्मिनल वैल्यू 200 की है तो एक साइड कम्बाइंड कर लिया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी सो वैल्यू ऑफ एक्स वाई एक्स वाई लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैश इनफ्लो इज फाइव ये तो पॉइंट गाइज आपका कैश इनफ्लो हो गया अब सेकेंड इंफॉर्मेशन थी

कैश इनफ्लो का और नेट एसेट मेथड का तो अभी तो अभी आपने कैश इनफ्लो से वैल्यू निकाली है अब निकालोगे आप वैल्यूशन ऑफ द बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ नेट एसेट में क्या करना है टोटल एसेट थ्री फिफ्टी की है लोन आपका हंड्रेड लैक्स का है तो नेट एसेट्स कितने के हो गए टू फिफ्टी लैक्स के हो गए वैल्यू ऑफ द बिजनेस हो गया आपका टू फिफ्टी लैक्स लेकिन वैल्यू ऑफ़ द बिजनेस क्या करना है, इन दोनों का निकालना है. तो एवरेज हम निकाल देंगे दोनों का एवरेज तो करेंगे तो अब को ने पहला पार्ट यहाँ पे गाइज हमारा खत्म होता है दूसरे पार्ट में कहता कि नंबर ऑफ द शेयर इशूड बाय ए बी लिमिटेड तो नंबर ऑफ द शेयर इशू करने के लिए जो मार्केट प्राइस लेंगे वो इन दोनों का एवरेज लेंगे क्वेश्चन ने यही कहा था फॉर द पर्पज ऑफ द प्राइज रेकॉन्ड द एवरेज द एवरेज ऑफ द हाइस्ट एंड द लोएस्ट मार्केट प्राइस सो गाइज यहाँ पे आपको पेमेंट कितनी करनी है तो पे वैल्यू जो हमने निकाली वैल्यू निकाली हमने 421.20 सो so, 421.20 को अगर 500 का आप एक शेयर ले रहे हो तो आपको नंबर ऑफ द शेयर 84,240 के नंबर ऑफ द शेयर करने पड़ेंगे किसको करने पड़ेंगे A limited को limited. A B limited को limited. So guys, यहां पे हमारी second information भी complete होती क्योंकि इसमें तो ये आ जाएंगे आपके एंड टू फोर्टी नंबर ऑफ द शेयर थर्ड क्वेश्चन पूछता है ऑफ एलोकेशन ऑफ द शेयर अमंग द शेयर होल्डर ऑफ एक्स वाई लिमिटेड अब ये जो शेयर्स मिले हैं आपके एक्स वाई लिमिटेड के शेयर होल्डर के बीच में दो और ये ऐसा क्यों कहा गया 10 है दूसरे भी टेन इंच के लेकिन एक पे फुल्ली पेडअप पे, है एक पे पार्टली पेडअप पे. है तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे कुछ सबसे पहले तो आपको बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ शेयर्स चाहिए कि एट्टी फोर थाउजेंड टू शेयर्स को आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो फुल्ली पेड अप इक्विवेलेंट नंबर ऑफ द शेयर अगर मैं फुल्ली पेड अप इक्विवेलेंट नंबर ऑफ द शेयर्स की बात करूं तो फुल्ली पेड अप इक्विवेलेंट नंबर ऑफ द शेयर्स मेरे यहाँ पे आपके सो गाइज यहाँ पे जो फुल्ली अप इक्वेलेंट वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे बीस लाख ,00 आ जाएगा आपका बीस लाख नंबर ऑफ द शेयर्स आ जाएगा इक्वेलेंट नंबर की बात करें तो यहाँ पे बीस लाख शेयर्स तो आपके फुल्ली अप आ जाएगा और यहाँ पर 5 लाख ,00 की पेमेंट करी तो इक्वेलेंट नंबर के लिए यहाँ पर हम फाइव लाख इक्विटी शेयर ले लेंगे की एक्जैक्टली exactly आपके फाइव लाख इक्विटी शेयर्स ही हैं

फुल्ली पेडअप वाले को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टली पेडअप वाले को 84, में एवन थ्री नाइनटी टू को डिडक्ट कर देंगे तो ये आपका नंबर ऑफ़ द शेयर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टली पेड वाले को तो सो गाइज हम यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में दो एवरेज लेना है एक तो जो कंपनी की वैल्यू है उनका एवरेज करना है प्लस एक बार एवरेज तब करना है जब इनको हम पाँच सौ ये जो फाइव हंड्रेड रुपीज है ये जब हम निकालेंगे इसका एवरेज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन थी फाइव सेवेंटी एंड फोर थर्टी सो ये आपका फाइव सेवेंटी प्लस फोर थर्टी का एवरेज करोगे तो ये फाइव हंड्रेड आ जाएगा तो फाइव हंड्रेड के हिसाब से पे करोगे तो एटी फोर थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी शेयर होल्डर को पेमेंट करना हो पड़ेगा फाइव हंड्रेड के हिसाब से और एटी फोर थाउजेंड टू फोर्टी शेयर होल्डर को आपको डिस्ट्री एलोकेशन भी करना है क्योंकि सारे के सारे शेयर एक जैसे नहीं है अलग अलग क्लास के हैं क्लास uh, भी कहना गलत रहेगा क्योंकि क्लास तो एक ही है टेन रुपीज़ ईच है बट एक ने फाइव रुपीज़ पे किए हैं एक ने पूरे के पूरे टेन रुपीज़ पे करे हैं सो so गाइज यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 40 की करूँ तो क्वेश्चन बड़ा लेंदी है बट इसका सॉल्यूशन मोर और लेस बहुत इजी है सो गाइस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्टी भी कंप्लीट होता है